सकता है कि आपके बच्चे आपको बोल रहे हो मम्मी लाइव देखने की क्या जरूरत है, कह रहे कि हमारे पास पैसा है डॉक्टर से दवाई ले लो जाकर। आज हो सकता है कह रहे कि आप बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हो, यहां पर आप चक्कर क्यों लगा रहे हो, वीरवार को भी चक्कर आ रहे, सोमवार को भी चक्कर, आप संडे को भी चक्कर अगर आप लाइव में बार बार देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? कह रहे कि परमेश्वर का आदेश है, कह रहे कि जो कह रहे कि अगर कोई चक्कर काट रहा है कोर्ट कचहरियों के, बीमारियों के, समस्याओं के, तो कह रहे जब तक मेरे अभिषेक दास के चक्कर नहीं काटोगे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जब चर्च के चक्कर नहीं लगाओगे, मैं कह रहा हूं कि सातवां चक्कर परमेश्वर ने बताया, कह रहा छह चक्कर आप लगाते हो, आप दिन भर में छह दिन काम करते हो, लेकिन सातवां दिन कह रहा जब आप विश्राम दिन को मानते हो तो परमेश्वर आपके चक्कर खत्म करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन यहां पर भी यीशु को सीक्रेट बताया, कह रहा कि जब कह रहा कि याजक लोग कह रहे संदूक उठाकर चले और उनके सामने कह रहा कि वो लोग जो वर्शिप करते हुए चलेंगे, आराधना और प्रार्थना करते हुए, इसका मतलब कि अगर आज आप किसी भी परिस्थिति में आपका पैसा नहीं आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकता, लेकिन आराधना और प्रार्थना आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकती है, आपकी आराधना और प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ सकती है, आपके कर्जे को, वो बेड़ियां, वो ताले टूट गई। मैं कह रहा हूं कि आज किसी ने बेशक जादू टोना कर दिया हो, किसी ने आपके ऊपर परेशानी डाल दी हो, लेकिन याद रखना कि मेरा परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे लोगों को पसंद कर रहा हूं जो मूड बना रहे हैं, जो